पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को छलने का काम दाऊ भूपेश बघेल ने किया है। कांग्रेस सरकार प्रदेश की योजनाओं में भी घोटाले करती है और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचने देती। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेता प्रदेशवासियों के बीच आकर इस भ्रष्ट सरकार के काले कारनामों की पोल खोल रहे हैं तो भूपेश जी परेशान हो रहे हैं। के दौरे होंगे, भूपेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय नेता आएंगे, उनके पोल खोलेंगे और बताएंगे क्या क्या छत्तीसगढ़ में हालत खराब है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को भी जनता तक ले जाने का काम करेंगे। इसलिए भूपेश बघेल को चिंता नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। जन आक्रोश रैली में जिले भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज ये विधानसभा का प्रदर्शन है। राजनांदगांव विधानसभा के तीनों मंडल के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की टीम इस पर लगी रही और ये आक्रोश है भूपेश बघेल के नीतियों का, उनके लूट का, उनके भ्रष्टाचार का। अवैध घोटालों से भरी हुई सरकार, 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाला करने वाले, 500 करोड़ से ज़्यादा के कोयला घोटाला करने वाले ये सरकार, इसके साथ ही साथ चावल में पीडीएस में 600 करोड़ रुपया का पीडीएस सिस्टम से चावल खाने वाली सरकार, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला करने वाली सरकार, विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार, गरीबों की हक और रोटी छीनने वाली सरकार, जिस प्रकार के हालात हैं राजनांदगांव में, विकास ठप हो गया है, मेडिकल कॉलेज बना, न सिटी स्कैन, न एमआरआई की मशीन, न डॉक्टरों की उपस्थिति, यहाँ तक लिफ्ट भी नहीं है, दवाई केंद्र भी वहाँ पे जन औषधि केंद्र भी बंद पड़े हैं, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, चिकित्सक नहीं हैं, हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, पूरे गांव की हालत ख़राब है। इस स्थिति में आज जनता का आक्रोश है, इसी आक्रोश को व्यक्त करने निकले हैं।